पार्ट नंबर नाइन को देखिएगा जरा, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 को 8 से प्लस करें तो 80, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 250, प्लस 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाई 18, 25 मल्टीप्लाई बाय 18, ओके, तो 8 5 जार 40, 4 कैरी, 2 8 जार 16 और 4 20, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, तो ये 0, ये 5 और ये 4, यानी लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 450 इज इक्वल टू 250 को 200 से प्लस करें तो 450, और ये प्रूव हो गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया, पार्ट नंबर 9 भी हो चुका है। बेटा क्या आप लोगों का जो आंसर सेल्फ प्रैक्टिस में आया था, क्या वो मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं? आप लोगों ने ऐसे ही किया था, सामने प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यस सर ऐसे ही है, यस सर यस सर, हमने क्लास के दौरान व्हाट्सएप ना किया करें यार, मैंने कितनी दफा आप लोगों को मना किया यार, सर मैंने क्लास के दौरान मुझे व्हाट्सएप ना किया करें, सिर्फ आप लोग अपनी प्रैक्टिस किया करें, बेशक क्लास के बाद मुझे अपनी पूरी प्रैक्टिस सेंड किया करें, नो प्रॉब्लम जी। आस्क योर क्वेश्चन, मोहम्मद कासिम बोले। सर मैंने क्वेश्चन करना है वो उर्दू का है सर, अभी कर लूं? नहीं उर्दू का इधर नहीं करना, अभी मैथ की क्लास चल रही है, ओके। जी अहमद अहद, क्या आपको समझ आ गई है? यस सर। सर हम आपको फिर चैट में मैसेज कर सकते हैं कि मैं हमारा चैट में अपना आंसर लाजमी भिजवाया करें, चैट में आप भिजवा सकते हैं। ओके सर, चैट में अपना आंसर आप भिजवा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने इसका पिक्चर आप लोगों को भिजवा दिया, मैं पार्ट नंबर 10 करा रहा हूं ताकि उसके बाद मैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की जानिब चला जाऊं, ठीक है। पार्ट नंबर 10 को देखिएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 13, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 11 और बीच में प्लस लिख देना 100 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 13 से आ जाएगा 24, 100 इंटू 11 तो 1100 और प्लस 100 इंटू 13 तो 1300, तो इधर से आ जाएगा 2400 और 1100 प्लस 1300 भी आ जाएगा 2400, तो ये जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 10 भी डन हो गया, और प्रॉपर्टी का नाम वही लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम लिख लेना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज आप लोग का फिनिश हो गया, बल्कि चैप्टर ही फिनिश हो गया, माशाल्लाह मेरा सेकंड वीक चल रहा है और अब मैंने दो चैप्टर पढ़ा लिए, कोशिश करूंगा पहले दो महीनों में इंशाल्लाह फिनिश करा दूं, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, मुजम्मिल राव, मुजम्मिल आपको बेटा समझ आ रही है? मुजम्मिल बेटा यस सर 100%, यस सर 100%, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा बोले? नो सर। जी हमजा आबाद, सर जो आपने पहले चैप्टर पढ़ा है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने भिजवा दी ना आपके अब्बू के व्हाट्सएप के ऊपर, आपका जो नंबर मुझे वो मैम मिसेज इफ्तिखार ने सेंड किया था, वो नंबर तो व्हाट्सएप पे ऐड ही नहीं है, मैंने तो आपके अब्बू के नंबर को ऐड कर लिया, ठीक है मतलब मैं चले सही। हाँ आप अपने नंबर से मुझे फिर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप से मैसेज करना ताकि मुझे पता लग जाए कौन सा नंबर आपका व्हाट्सएप पे है, उस पे भी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, ठीक है। सर आप मेरे फादर के नंबर पे सेंड कर दें, वो मैंने उस पे सेंड कर दिए, बस उसी से आपने रिकॉर्डिंग देखनी है अच्छी से, ठीक है।
सर उस पे तो आपने लिंक सेंड करे थे, वही लिंक ही तो है थे रिकॉर्डिंग बेटा, गूगल ड्राइव के लिंक से, बस उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और वीडियो सामने आ जाएगी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, वेलकम जी। हमजा अब्बास बोले बेटा। सर मुझे ये सवाल समझ नहीं आया। कौन से वाला मेरे प्यारे बच्चे? ये आप अभी आपने करवाया वो स्क्रीन पे है। अच्छा ये जो, हाँ हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा, 100 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है? जब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो आपको 11 और 13 ब्रैकेट के अंदर नजर आएंगे, तो आपने 11 और 13 को प्लस करना है, ठीक है? तो 11 को आप 13 से प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, और फिर आप 100 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2400। उसके बाद आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 11 ब्रैकेट के अंदर है तो उससे 1100, और 100 मल्टीप्लाई 13 भी ब्रैकेट के अंदर है तो उससे 1300 आ जाएगा, और जब आप 1100 को 1300 से प्लस करेंगे तब भी आपको 2400 ही मिलेगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। ओके यस सर, अब समझ आ गया? यस ओके। आगे चलते हैं जनाब रिव्यू एक्सरसाइज की जाने। रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ ब्लैंक्स है और कुछ इसी जैसे क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम, तो मैं आप लोगों से ही करवाऊंगा इंशाल्लाह, और कुछ ब्लैंक्स वगैरह इधर ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट द होल नंबर स्मॉलर देन 4। चैप्टर नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। हाँ तो कौन से होल नंबर्स है जो 4 से लेस है, तो आप लोग मुझे खुद माइक पे आके बताएंगे बेटा। जी अहमद फराज, होल नंबर्स विच आर लेस देन 4। जी आर्यन, होल नंबर्स विच आर लेस देन 4। जी क्या आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा यार? होल नंबर्स विच आर लेस देन 4, कोई भी बंदा माइक पे आके बता दे कौन कौन से नंबर्स होंगे। जी महातीर बताइए बेटा, ये क्यों आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे? हसन कंबो, जी मुजम्मिल राव। सर ये जो आपने 2 और 3 होमवर्क दिया, अगर ये हमसे ना हो फिर? ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भिजवाई है ना, जब आप चैप्टर 2 की रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना 2.1 और 2.2 करेंगे तब ये आपसे होगा, अगर वो आप नहीं करेंगे फिर नहीं होगा, ठीक है? ओके सर, यार आप कुछ कर रहे हैं इधर देख रहे। जी अब्दुल्ला साजिद, जी बोले ना अब्दुल्ला साजिद, आप तो अनम्यूट है बेटा। ओके नो क्वेश्चन, ओके मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? नंबर लाइन वाले भी जरा गौर से देखिएगा। ड्रा द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द होल नंबर्स, एक नंबर लाइन लगाए और उस पे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, ठीक है? 1, 5, 10, 1, 5 और 10, इनको होल नंबर्स पे रिप्रेजेंट करें। तो आप एक लाइन लगा ले और उस लाइन के ऊपर 0 से स्टार्ट करें, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10,
और इस पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, बस आपने उस नंबर को सिर्फ सर्कल करना है, वन को सर्कल किया, फाइव को सर्कल किया और टेन को सर्कल किया, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर इस टाइम आ चुका है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को नंबर लाइन समझ आ गया? यस सर। जी सर, समझ आ गया। यार ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं ना, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि रिव्यू एक्सरसाइज खुद किया करें। इसका दूसरा पार्ट है लेस देन सेवन, लेस देन सेवन। ओके, पार्ट नंबर टू है लेस देन सेवन नंबर्स, यानी इसी तरह का एक नंबर लाइन बनाए और उस पे आप जीरो से लेकर सिक्स तक आप मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बस टेन तक किया करें। अब लेस देन सेवन का मतलब है कि सिक्स तक आपने सर्कल करना है। ठीक है, या आप ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं जीरो से लेकर सिक्स तक, ऐसी एक लाइन लगा ले तो ये भी आपने नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लेस देन सेवन नंबर है। या आप हरे को सर्कल करना चाहे तो आप हरे को सर्कल करें, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और ये हो गया सिक्स, बस ऐसे भी कर सकते हैं, या ऊपर से आपने एरो लगा लिए, या आप दोनों काम कीजिएगा, एरो भी लगा ले और सर्कल भी करे, मर्जी है। लेकिन ये सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में कर सकते हैं जिसमें तमाम नंबर्स आ रहे हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ सर्कल किए क्योंकि उसमें तो तीन ही नंबर्स थे, वन फाइव और टेन, वो था पार्ट नंबर वन और ये है पार्ट नंबर टू। जी हसन कम्बो, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर ये आपने जो क्वेश्चन फोर में बताया जो आपने राइट पैर से टिक किया हमारा कम्बो। हसन आप माइक से 10 किलोमीटर दूर बैठे, आपको आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोले। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने क्वेश्चन फोर में ब्लैंक दिए, मतलब कि जो आपने टिक किए, ये हमने खुद ही करना है? जी जी बिल्कुल खुद करना है। ठीक है, इसको नोट कर ले जरा जो क्वेश्चन मैंने करा दिए। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे ये क्वेश्चंस। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर थ्री में यूजिंग द नंबर लाइन टू फाइंड द गिवन सम्स, यानी सम्स को भी नंबर लाइन से करना है। ठीक है, अब ये भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, असल में ना रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ करवा रहा हूँ इस एक लड़की की वजह से, मुजम्मिल की वजह से। मुझे पता है कि बाकियों को तो ये चीजें मैं समझा चुका हूँ, लेकिन अगर मुजम्मिल आप भी पिछले एक्सरसाइज की वीडियोस देख लो जो मैंने आपके अब्बू के मोबाइल पे भिजवाए हुए हैं, तो फिर आपको इसकी मजीद समझ भी आ जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज में हमेशा आप लोगों को होमवर्क दूंगा, उसकी वजह यह है कि जब आप चैप्टर पूरा मुझसे पढ़ लेते हो तो रिव्यू एक्सरसाइज को आप लोग एक टेस्ट समझ के किया करेगी। ये आप लोग का टेस्ट हो रहा है, ये आप लोग की असेसमेंट हो रही है। ठीक है, ताकि पता लग जाए कि आप लोग को चैप्टर कितना समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिएगा, टू एंड थ्री का सम मालूम करना है। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर
सम अप टू एंड थ्री, टू और थ्री को सम करें, तो फिर आपने वही उसी तरह का एक नंबर लाइन लगा लिया, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, ओके। अब आपने टू और थ्री को प्लस करना है, तो पहले आप जो है वो दो लाइंस तक ऐसे एक एंगल लगा ले, ये हो गया टू, फिर आपने तीन और काउंट करने हैं, तो वन टू थ्री, तीन और काउंट कर ले यहां से, ये मैंने तीन और काउंट कर लिए, यानी ये टू यूनिट्स हो गया और ये हो गया थ्री यूनिट्स। अब टू और थ्री को प्लस किया तो कितना आ गया, फाइव यूनिट्स। तो फाइव यूनिट्स को आप ऐसे सर्कल कीजिएगा कि यार ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, और आप आखिर में लिख भी लीजिएगा कि टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव एंड फाइव इज ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सामने नजर आ रहा है। तो क्या आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आ गया? जी मुजम्मिल राव पूछे बेटा। सर ये जो अगर हम जीरो की उससे देखे तो हमने पहले भी थ्री करे थे। हाँ हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, और हम वन से भी कर सकते हैं। नहीं वन से नहीं कर सकते यार, जीरो से होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो गया आपको? जीरो से वन तक एक यूनिट होगा, वन से टू तक दूसरा यूनिट होगा, तुमने वन से टू तक कर लिया तो वन वाला हिस्सा किधर गया फिर? ठीक है ठीक है ओके। वो तो मैं नंबर लाइन शायद पिछले सवाल में मैंने जीरो नहीं लिखा था, मैंने गलती की थी, आप लोग जीरो साथ लिखा करें ठीक है, लाजमी लिखा करें ओके, होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। जी इब्राहिम मकसूद। सर जो सर हमने क्वेश्चन नंबर फोर में करने सर दोबारा निशान लगवा दिएगा, दोबारा बताए बेटा मैं समझ नहीं आई आपकी बात। इब्राहिम मकसूद दोबारा बताइएगा क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा सर जोन सा सर आपने रिव्यू एक्सरसाइज में सर क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें सर आपने निशान लगवाए थे ये वाले करने हैं। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मैं कह रहा था कि एक प्लस का एक माइनस का एक मल्टीप्लाई डिवाइड का, आप पूरे क्वेश्चन नंबर फोर नहीं कर सकते यानी बहुत ज्यादा है ना, तो आप एक प्लस का क्वेश्चन करें, एक डिवाइड का कर ले, एक माइनस का एक मल्टीप्लाई का, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अच्छा जी अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो जरा कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर टू, वन एंड सिक्स, वन एंड सिक्स को आपने नंबर लाइन से प्लस करना है, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स आप लोग इसका पार्ट नंबर टू कर सकते हो, वन एंड सिक्स को प्लस करना है? यस सर कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। ओके करें सर। यस सर जी सर कर सकते हैं। ठीक है करें। सर फोर जी जी बिल्कुल। सर वाले क्वेश्चन के या फाइव वाले? क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर टू। ओके अब आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर पे, तो क्वेश्चन नंबर फोर में से एक प्लस में से कर लेना, एक माइनस वाले क्वेश्चन में से, एक मल्टीप्लाई वाले में से और एक डिवाइड वाले क्वेश्चन में से, ठीक है।
आयान भट्टी क्या क्वेश्चन है बोले फोटो सर आपने वो क्वेश्चन नंबर टू को थर्ड पार्ट क्यों नहीं करवाया वो कर सकते हो ना यार टू ग्रेटर देन हंड्रेड नहीं कर सकते अच्छा यार जरूरी तो नहीं मैं सारे कर सकते सर जी वैसे पूछ रहा था हद हो गई है यार ग्रेटर देन हंड्रेड नंबर ले लेते आप बेशक 95 से स्टार्ट करें 96 97 98 99 क्योंकि ग्रेटर देन 100 है ना तो बस आपने आगे वाले नंबर्स 101, 102 और 103 तक लिखना है और उसके बाद कुछ नहीं लिखना 100 से आपने स्टार्ट लेना है ग्रेटर देन 100 है तो 101 से आपने स्टार्ट लेना है और इस एरो को आपने इसे कंटिन्यू रखना है ठीक है कंटिन्यू का मतलब है कि आगे भी जाएगा तो ये हो गया आपकी ग्रेटर देन 100 तो वो क्वेश्चन भी मैंने करा दिया ठीक है ओके आयान बेटी समझ आ गई बेटा कासिम क्या क्वेश्चन है बोलो जी सर समझ आ गई सर हम 100 से स्टार्ट ले सकते हैं पहले अगर हम 100 जब लिखा है ग्रेटर देन 100 तो फिर आप 100 से कैसे स्टार्ट ले सकते हैं यार 101 से स्टार्ट लेंगे ना ओके क्वेश्चन नंबर 5 वो जो आज हमने प्रॉपर्टी के क्वेश्चन किए कल भी किए थे पहला जो क्वेश्चन है वही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दूसरा क्वेश्चन कमोटेटिव प्रॉपर्टी पार्ट नंबर 3 कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पार्ट नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पार्ट नंबर 5 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और पार्ट नंबर 6 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो ये तो मैंने कल और आज दो दिन मुसलसल करवा दिए तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग घर में कर सकते हैं जो स्क्रीन शॉट है वो मैं आप लोग को भिजवा देता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने की जरूरत नहीं है सिर्फ रीडिंग कर लेना मैं आप लोग को स्क्रीन शॉट भिजवा रहा हूँ आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी साथ करने हैं ठीक है यानी रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट करना है कल हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जी हसन कंबो अयान भट्टी अब्दुल्ला साजिद क्या क्वेश्चन है बेटा बोलो सर ये डरिए फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज बुक में करके भेज रहे हैं बुक में करके भेजा करें जिसके पास बुक है बुक में करके ही भेजा करें ठीक है जी अब्दुल्ला साजिद सर हम लोग ने क्वेश्चन 5 में ला भी डिफाइन करनी जी जी ला का नाम भी साथ लिखना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही करना है जी मुजम्मिल ठीक है सर ठीक है सर अगर बुक ना हो तो फिर बुक ना हो तो फिर आप रजिस्टर पे कर ले फिर आपको सारे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे ठीक है बुक ना हो तो उर्दू बाजार जाए बुक खरीदे जी हुज़ैफ़ा सर इसके आंसर पीछे बुक में भी होंगे ना बुक में भी एंड पे है बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी में भी एंड पे आंसर्स है अब आप लोग सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक कर ले और उसके बाद साइंस की क्लास के लिए आइएगा ठीक है 5 मिनट्स की ब्रेक कर ले आज ओके सर ब्रेक एंजॉय मारे ओके सर सर साइंस का याद करेंगे पिछला